हेलो एवरीवन, दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप जीडी से भर्ती होते हो तो आपका क्या क्या फायदा है। दोस्तों फायदे बहुत सारे हैं, तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और मेरे को इंस्टा पर फॉलो जरूर कर देना अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो। दोस्तों सबसे पहले आप आर्मी के ड्राइविंग सेक्शन में जा सकते हो जो कि 50-60 लोगों की होती है, ठीक है। इसको हम एमटी प्लाटून भी कह सकते हैं। ड्राइविंग सेक्शन में जाने के लिए आपको कुछ नहीं पड़ता, आप आर्मी से भर्ती हो, जीडी से भर्ती होते हैं, सबसे पहले जीडी से भर्ती होते हैं। लोग बहुत से बोलते हैं कि ड्राइवर भी क्या ट्रेडमैन होते हैं, ना ये ट्रेडमैन नहीं होते, ये जीडी के बंदे ही भर्ती होते हैं, ठीक है। आप भर्ती हो जाते हो जब आप अपनी यूनिट में पहुंचते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ड्राइविंग सेक्शन में जा सकते हो। दोस्तों इसमें बहुत ही इतना दिक्कत नहीं है, बाकी जो जीडी का बंदा रहता है उससे कम आपको इतना ड्यूटी करना पड़ता है, ठीक है। जो नॉर्मल जीडी का बंदा रहता है उसका लाइफस्टाइल और है, और जो ड्राइविंग का जो बंदा है उसका लाइफस्टाइल अलग है, ठीक है। दूसरा कि दोस्तों आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अगर आप जीडी से हुए हो तो आप चाहो क्लर्क में जा सकते हो, ठीक है, आप चाहो पैरा में जा सकते हो, आप चाहो तो एनएसजी कमांडोज के लिए जा सकते हो, घातक के लिए जा सकते हो, ठीक है, आप सभी के लिए जा सकते हो। ये एक सबसे बढ़िया चीज़ है। अगर आप ट्रेडमैन से होते हो तो आपके पास इतने ज़्यादा चांस नहीं होते, आप चाहो तो अफसर के लिए जा सकते हो ट्रेडमैन, बट जीडी में आप होते हो तो आपके पास हज़ारों रास्ते हैं कहीं भी जाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोस्तों यही नहीं, एक और फायदा है, अगर आप जीडी से हो तो आप एक आर्मी में ना सिग्नल प्लाटून होते हैं, ठीक है। अगर आप उस प्लाटून में चले जाते हो, उस प्लाटून का मेनली काम होता है लाइट से थोड़ा रिलेटेड होता है, वो जो टेलीफोन्स वगैरह रहते हैं ना, जो सिग्नल अरेंजमेंट के जो टेलीफोन्स रहते हैं, इधर से उधर बातचीत करना, उससे रिलेटेड काम रहता है। तो अगर आप उसमें जाते हो तो उसका भी लाइफस्टाइल अलग है, ठीक है। अगर आप उसमें चले जाते हो, बाय चांस कभी भविष्य में आप रिटायर होते हो तो आप कोई भी बीएसएनएल जैसी कंपनी वगैरह में आप जॉब आराम से मिल सकती है, रिलायंस कंपनी जैसी में आपको जॉब आराम से मिल जाती है। क्यों मिल जाती? क्योंकि आपको पास पहले से ही नॉलेज होता है ये सब चीज़ का, रिपेयरिंग से रिलेटेड, टेलीफोन से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड आपके पास पहले से नॉलेज होता है, तो आपको जॉब मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात कि इनकी लाइफस्टाइल बहुत अलग है, जो एक नॉर्मल जीडी का बंदा रहता है जो कि ओनली ड्यूटी वर्किंग करता है, उसके कंपैरिजन अगर आप करते हो तो उनका लाइफस्टाइल काफ़ी अलग है, ड्यूटी भी अलग है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो जीडी का जवान होता है ना, अगर आप जीडी से हो तो आप हर जीडी का जवान आरआर में जाता है। आरआर से कहने का मतलब जो यूनिट रहती है, यूनिट से आउट, ठीक है, आउट ऊपर, थोड़ा ऊपर साइड, यहाँ बहुत सारे मिलिटेंट वगैरह रहता है वहाँ पर। और वहाँ पर सबसे बेस्ट बात यह है कि वहाँ पर अलाउंस काफ़ी ज़्यादा होता है, 10,000 समथिंग अलाउंस रहता है वहाँ का, ठीक है। हर जीडी का जवान उधर जरूर जाता है, ट्रेडमैन भी जाते हैं, बट ये नहीं कह सकते कि हर ट्रेडमैन जाता है, ट्रेडमैन में से कुछ कुछ जाते हैं, सबको चांस नहीं मिल पाता, बट जीडी वाले को सबको चांस मिलता है वहां पर, ठीक है। अब दोस्तों कि अगर आप आर्मी में भर्ती हो जाते हो ना, और आपके पास अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर जानते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बहुत ज्यादा नॉलेज, नॉर्मल सा ही नॉलेज की जरूरत होती है, अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो तो आप क्लर्क का भी काम कर सकते हो, ठीक है। हर जगह क्लर्क काम नहीं करते, क्लर्क जो रहते हैं वो मेन ऑफिस का काम करते हैं, जो नॉर्मल काम रहता है, जो डॉक्यूमेंट बनाना, सर्विस सर्टिफिकेट बनाना, नॉर्मल चीज़ें काम होती है ना, वो आपके कंपनी क्लर्क करते हैं। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कंपनी क्लर्क का भी काम कर सकते हो, डिस्पैचर का भी काम कर सकते हो, बहुत सी चीज़ें रहती हैं जहाँ क्लर्क नहीं होते, रहोगे तब भी आप जीडी के ही जवान, ठीक है, तब आप क्लर्क नहीं रहोगे, रहोगे जीडी के जवान, लेकिन आप क्लर्क का काम करोगे, तो आपके पास नॉलेज है तो आप क्लर्क का भी काम कर सकते हो। अब दोस्तों बात करूंगा कि अगर आप जीडी से हो ना तो आप आर्मी के एक जैज बैंड रहता है वहाँ पर, अगर आप मतलब अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें गिटार वगैरह, सिंगर हो तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, हर चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो ओनली इंटरेस्टेड हो तो आप उसके लिए भी जा सकते हो। हाँ तो दोस्तों फ़ायदे बहुत सारे हैं, जो कुछ फ़ायदे थे तो मुझे लगा बताना चाहिए, वो मैंने बताए हैं, फ़ायदे दोस्तों बहुत सारे हैं, तो दोस्तों आप भी इनके लिए ट्राई करना भर्ती होना, और इन सब चीज़ पे ध्यान जरूर देना, अगर आप जीडी से भर्ती होते हो तो इन सब चीज़ में आप जा सकते हो।